हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वाद करने वाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम शेयर करने जा रहे हैं मानसून में खाए जाने वाले भुट्टे की रेसिपी। ये मानसून में बहुत ताज़ा इस समय बरसात में मिलता है और ये बहुत पौष्टिक भी होता है। इसी का आज हम चाट बनाने जा रहे हैं। चलिए आइए इसको बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम भुट्टा को सेक लेते हैं। इसे आप चाहें तो बॉयल करके भी बना सकते हैं, लेकिन अगर इस तरीके से बनाएंगे तो इसका जो स्मोकी फ्लेवर आएगा बहुत अच्छा लगता है चाट में, इसलिए हम पहले इसको अच्छे से सब तरफ से भून लेते हैं। हम इसे गैस में भून रहे हैं। अगर आपके पास तो लकड़ी का कोयले वाला अंगीठी हो तो आप उसमें भी भून सकते हैं, लेकिन अंगीठी सबके पास अवेलेबल नहीं रहता है, इसलिए गैस पे भी आप भून सकते हैं। टेस्ट आपका वैसे ही आएगा स्मोकी। इस समय बारिश का मौसम चल रहा है, भुट्टा अगर आप सेकिए तो उसको सेकते ही सेकते खाने का मन हो जाता है। आप चाहें तो इसमें नींबू और काली मिर्च नमक लगा करके ऐसे भी खा सकते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। अब इसको हम भून लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए भुट्टे को हम सेक लिए हैं। अब इसका एक एक दाना हम निकाल लेते हैं, आपको दिखाते हैं कि कैसे निकाल रहे हैं। ये देखिए इसी तरह से हम सारे भुट्टे को हम छील करके ऐसे दाना निकाल लेंगे। हम इसे हाथ से निकाल रहे हैं, आप चाहें तो पीलर से भी निकाल सकते हैं, लेकिन उससे दाना थोड़ा सा मैसी सा हो जाएगा तो वो स्वाद नहीं आएगा, इसलिए इसमें पूरा साबुत रहेगा तो ज़्यादा टेस्ट आएगा। इसी तरह से सारे भुट्टे का दाना हम निकाल लेते हैं। ये देखिए हम सारा दाना निकाल लिए हैं। अब चलते हैं गैस की तरफ। अब गैस जला के हम पैन रख दिए हैं और इसमें एक टीस्पून के करीब तेल डालेंगे। और इसी के साथ एक टीस्पून के करीब बटर डाल देंगे। स्वीट कॉर्न में बटर का फ्लेवर बहुत अच्छा जाता है, इसलिए इसको आप जरूर डालिएगा। हम इसे पका करके बना रहे हैं। आप चाहें तो इसमें कच्ची सब्जियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हमारा भुट्टा थोड़ा सा पका हुआ है, स्मोकी फ्लेवर है, तो सब्जियों को भी पका के डालेंगे थोड़ा सा तो ज़्यादा अच्छा स्वाद आएगा। उसमें सबसे पहले डाल देते हैं एक बड़े साइज का प्याज है, काट के रखे हैं, उसको डाल देते हैं। थोड़ा सा इसको चला लेंगे एक बार। सब्जियों को हमें बहुत मैसी नहीं करना है, बस इसका क्रंच बरकरार रहे ऐसा पकाना है। इसी के साथ शिमला मिर्च है, दो टेबलस्पून की तरफ वो डाल देंगे। एक हरी मिर्च बारीक बारीक काटें, इसको भी इसमें ऐड कर देते हैं। हल्का सा शिमला मिर्च और प्याज जब थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा तब इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। ये देखिए हल्का सा ये ट्रांसपेरेंट हो गया, इसी समय में हम इसमें टमाटर भी डाल देंगे। थोड़ा सा टमाटर सॉफ्ट हो जाए इसलिए इसमें हम स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। सारी चीज़ों को हाई फ्लेम में ही पकाना है। बस इतना भरने से पकाना है। अभी इसमें हम ऐड कर देते हैं अपना भुट्टा जो टिका हुआ रखा है। सबको अच्छे से मिला लिए हैं। अब इसमें फाइनली हम डाल देंगे थोड़ा सा कटा हुआ खीरा। खीरा को हम कच्चा ही डालेंगे, पका के नहीं डालेंगे, इसका कच्चा फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है। आपको मेरी स्वीट कॉर्न की चाट वाली रेसिपी अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
और इस मानसून को ये रेसिपी जरूर बना करके एक बार ट्राई करें। अब इसमें फाइनली हम हरा धनिया डाल देते हैं और आपको सर्व करके दिखाते हैं। ये देखिए हमारा झटपट बनने वाला हेल्दी और टेस्टी भुट्टे का चाट बन करके रेडी है। आप भी एक बार रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, हमें कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।